आज हम मौजूद हैं लुधियाना के साने वाले में पड़ते रामनगर की गली नंबर एक में, जहां पर कि हम मिल रहे हैं ऐसी लेडीजों से जिनके काफी टाइम से सर पे जो सहारा होता है एक पति जिसको कहते हैं कि जिसके ऊपर पत्नी पूरी तरह से डिपेंड होती है वह नहीं रहे, लेकिन परंतु जिस प्रकार से की सरकारें कहती हैं, पंजाब सरकार कहती है कि उन्होंने विडो पेंशन के लिए इस कारण से लगाई है ताकि ऐसी लेडीजों को आर्थिक सहायता मिल सके, वो किसी पे डिपेंड ना हो और उनका गुजारा भत्ता अच्छे से हो सके, परंतु कई कई साल होने के बावजूद भी आज उन लेडीजों को ना तो कोई पेंशन मिल रही है और ना ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता। तो आइए मिलते हैं ऐसी लेडीजों से जिनका की इन तरह की काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आरती जी, आपके हस्बैंड को देहांत हुए कितना टाइम हो गया? दो साल हो गया। इन दो सालों से आपको क्या परेशानी क्या हो रही है? बहुत परेशानी, मेरा लड़का कमा नहीं है, वो लड़का नहीं पढ़ लिखा गया। पढ़ने के बच्चे आपके? चार बच्चे। चार बच्चों की पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा है, वो लड़की कमा रहा है, वो लड़के के शादी करके। तो आपने कभी सरकार से विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया? नहीं, कभी नहीं। आपको किसने बताया नहीं कि सरकार की तरफ से सहायता मिलती है? कोई भी नहीं बताया। तो आगे विधवा पेंशन अगर ये सहायता आपको मिल जाएगी तो आपको क्या लगता है? तो आराम मिलेगा बच्चन के लिए, हमारे के लिए बहुत खुश हो जाएगा, कुछ याद हो जाएगा, कुछ बनाई हो जाएगा। तो अभी आप गुजारा कैसे करते हैं? ड्यूटी से मैं जा रहा हूँ, ड्यूटी जा रहा हूँ कंपनी में, लोहा कलाकी में मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें चारों बच्चे मेरा, चारों बच्चे के मेरा देखना है, पढ़ाना लिखाना तो कहाँ से मैं पढ़ा, खाना कहाँ, नहीं तो पढ़ाई कहाँ से मैं करूँ? कारण क्या रहा उनकी दर्द? उसका जैसे पहले बार कोरोना चालू हो गया ना लॉकडाउन में, वही में खत्म हो गया। डेथ कहाँ पे हुई थी? घर पे ही? सेम सी हॉस्पिटल में डेथ हो गया। नहीं हिलने दिया, नहीं देखने दिया, ना अंदर जाने दिया। मेरा पैसा में 6,000 दिया, ये जहाँ लाश ढोले बांग में लाश जाता है ना, वही लाश जरा है, 6,000 6,500 लाख जाए मैं पैसा। तो उस टाइम पे तो सरकार की तरफ से संस्कार हो गया? नहीं दे रहा है, कह रहे 6,500 रुपए देगी तो लाख देगा, नहीं दे रहेगा, मुँह नहीं देखा देगा कि नहीं देखाऊंगी। मैडम जी सबूर करो, आदमी चल गए तो सबूर करो, लाख देखने नहीं देगी। 3 रूम से निकाल दिया मेरे को, तुम्हारा आदमी कोरोना हो गया, जल जाओ घर, मेरे घर अलग सबसे हो जाएगा। कितने टाइम पे निकाला था आपको, मतलब कब निकाला? रात सुबह में 10 बजे 11 बजे घर से निकाल दिया। निकाल दिया तो आप कहाँ बच्चों को लेके फिर कहाँ गए? फिर दूसरा बेड़ा में गए तो उसका पता लगे कि आदमी गुजर गया, खत्म हो गया कोरोना से, तो उस भी निकाल दिया 11 बजे, वो भी निकाल दिया। फिर 3 नंबर गली में आया तो 3 नंबर गली से अपना गांव पर चल गया। कंपनी तो बाल बचा है, 4 वो कैसे पालूंगी, कैसे पालूंगी, कोई तो आदमी है नहीं, आदमी रहे तो सहारा बहुत है, आदमी होगा तो बहुत बुरा हाल मेरा हो गया, आदमी नहीं है तो एक दिन हम अच्छे में नहीं रहती हूँ। इस चाइल्ड एंड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के अधीन जो अधिकारी आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी महिलाओं का आगे बढ़कर सहयोग करें, और जो सर या MLA अधिकारी है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके साथ भरपूर सहयोग दें। परंतु देखने में आया है कि ऐसी लेडीजों को ना तो जानकारी होती है, वे अपने फॉर्म लेकर भी जब कहीं जाती हैं तो उनके बेचारियों को यह कहकर टका दिया जाता है कि अभी विधवा पेंशनें नहीं लग रही हैं, जबकि इसके लिए ना कोई डेट होती है ना कोई टाइम होता है, ये हमेशा लागू की जा सकती है। आज हमने इन मजबूर व बेसहारा महिलाओं की विधवा पेंशन के फॉर्म भरे ताकि इनको जमा करके इनकी पेंशन लग सके और इनको कुछ आर्थिक सहायता मिल सके।